हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा क्या क्वेश्चन है ये तो आप लोग जान ही गए होंगे, और क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप लोग बहुत ज्यादा बेचैन भी होंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन हमें क्यों पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है, ऐसे सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और ऐसे क्वेश्चन हमें अच्छे लेवल के एग्जाम में जो इंटरव्यू होता है उसमें देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आखिर हमसे क्यों पूछे जाते हैं? ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि जो बच्चा उस लेवल तक पहुंच गया है, इंटरव्यू के लेवल तक पहुंच गया है, उसकी शैक्षिक क्षमता तो एकदम 100% अच्छी है, तभी वह उस लेवल तक पहुंचा है। लेकिन क्या उसकी मानसिक क्षमता, प्रेजेंट ऑफ माइंड इतनी अच्छी है कि वो अपने आप को संतुलन बनाए रखे और क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढने में थोड़ा सा दिमाग लगाए अपना? यही सब मानसिक क्षमता को चेक करने के लिए इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं, जिससे कि बच्चे का मानसिक क्षमता चेक होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बिना घबराए बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए, इस लेवल तक पहुंचने के लिए हम अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? देखिए, क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं का ऐसा कौन सा अंग है जिसे खाया जाता है? तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, एक इंग्लिश में वर्ड होता है LADY, लेडी फिंगर। इंग्लिश में एक वर्ड होता है लेडी फिंगर। अब लेडी मीन्स तो लड़की होता है, फिंगर मीन्स उंगली होता है, मतलब कि लड़की के उंगली को खाया जा सकता है, नहीं खाया जा सकता है। लेकिन लेडी फिंगर का अगर हम लोग हिंदी में देखें तो लेडी फिंगर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? भिंडी भी तो बोलते हैं। और भिंडी क्या होता है? भिंडी एक सब्जी होता है, भिंडी एक सब्जी होता है जो कि हम सभी लोग खाते हैं, सबके घरों में बनाया जाता है। तो है ना क्वेश्चन सही? तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आंसर्स के लिए और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।